हाय नमस्ते, वेलकम एंड इस लाइव कैनवास में आप लोगों के स्वागत है। मैंने पहले भी एक ब्लॉग छोड़ा था, फिर नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊंगी यही बोल के एक दारिंगबाड़ी घूमने गया था, उसी ऊपर ब्लॉग पहले भी मैंने छोड़ा था। फर्स्ट डे हम लोग क्या क्या किया, कैसे पहुंचा, उसके ऊपर एक वीडियो छोड़ा था। आज हम वीडियो छोड़ रही हो, हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग कहाँ कहाँ जा रही है यही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो हम लोग तो इतना अच्छा नज़ारा देख रहे हैं क्योंकि हम लोग पहाड़ के साइड में नहीं रहते, तो हम लोग जब पहाड़ देखते हैं तो बहुत दिल खुश हो जाते हैं। और साइड में ग्रीन ग्रीन इतना अच्छा लगता है। ओ हो हो, देखिए देखिए, एंजॉय कीजिए, इतना अच्छा व्यू। सुबह सुबह माइंड फ्रेश हो जा रही है इतना अच्छा व्यू देख के। तो हमारी ड्राइवर दादा कहाँ ले जाते हैं, चलो देखते हैं, घूम घूम के आते हैं। हेलो दोस्तों, हम तो यहाँ की नज़ारा, यहाँ का खूबसूरती देख देख के बहुत खुश हो रहे हैं। तो आप लोग भी एंजॉय कीजिए, इतना अच्छा व्यू। एक्चुअली यहाँ आने का बेस्ट टाइम है सितंबर से मार्च तक। अगर विंटर सीजन में आएंगे तो आप लोग तो यहाँ स्नोफॉल भी देख पाएंगे। जनवरी फरवरी में यहाँ स्नोफॉल भी होते हैं। और ये पहाड़ियों का व्यू और भी खूबसूरती बढ़ जाती है इसकी। तो यह सब ज़्यादातर लोग देखने आते हैं, पाइन फॉरेस्ट, कॉफ़ी गार्डन, इमू पाखी, इतना इतना अच्छा वाटरफॉल भी है इधर, और लावर्स पॉइंट, तारपरे बहुत कुछ देखने का जगह है। सबसे देखने का अच्छा लग रहा है ये नेचर व्यू, तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी देखिए और एंजॉय कीजिए। हम यहाँ की कल्चर देखेंगे और भी यहाँ का विलेज का कल्चर देखेंगे, यहाँ लोग कैसे रहते हैं यहाँ भी देखेंगे थोड़ी देर बाद। दारिंगबाड़ी उड़ीसा की खूबसूरती एक हिल स्टेशन है। यह पहले ब्रिटिश साहेब दारिंग साहेब रहते थे, उनकी नाम हिसाब से बाद में उनकी नाम से ये दारिंगबाड़ी दारिंगबाड़ी सब बोलते हैं। तो दारिंगबाड़ी, इस बाड़ी का मतलब है विलेज, और दारिंग साहेब के नाम की हिसाब से इस स्टेट की उड़ीसा की कंडोमाल इस डिस्ट्रिक्ट में ये दारिंगबाड़ी है। और यहाँ की विलेज देखिए, दो साइड में यहाँ खेती भी हुआ है, धान चास भी हुआ और भी सब्जी भी यहाँ उगल रहा है सब। अरे देखिए, सबुज 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 और ग्रीन ग्रीन ग्रीन, इतना अच्छा व्यू देखिए। और विलेज देखिए, हमें यहाँ का इतना अच्छा विलेज, इतना अच्छा कल्चर हम देख रहे हैं रोड की दो साइड पे। ये देखिए कितना अच्छा सब विलेज, गाय भी है, गांव भी है इधर। अब हम विलेज देखते देखते जा रहे हैं।
माना मानसर जो रोड टाइट आ गया ना। हेलो दोस्तों, हम लोग बहुत टाइम लॉन्ग ड्राइव किया, फिर हमें मांडासाडू पार्क में ले आए और बोला मांडासाडू वाटरफॉल भी दिखाएंगे। तो हम लोग मांडासाडू पार्क की अंदर जा रही है अभी, यहाँ का नज़ारा देखेंगे, थोड़ी टाइम यहाँ बैठेंगे, फिर यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे मांडासाडू वाटरफॉल देखने के लिए। तो चलो अंदर देखते हैं कैसा है।
तो हमारी फैमिली मेंबर भी सब आ रही है। यह अंदर आने के लिए हम लोगों को टिकट भी काटना पड़ा, तो टिकट काट के हम लोग अंदर आए। और यहाँ बहुत सारे बच्चे भी खेल रहे हैं, पार्क, यह एक छोटी सी पार्क है। तो यह कॉटेज भी है, लोग रह रही है यहाँ। और कितना अच्छा, आप लोग खुद ही देखिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप खुद देख लीजिए। अब हम लोग यहाँ कुछ टाइम रुकेंगे, यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे और यहाँ की व्यू एंजॉय करेंगे। यहाँ बहुत अच्छा अच्छा फ्लावर भी है और इतना अच्छा अच्छा पौधा भी है, तो ये सब देखेंगे। थोड़ी टाइम यहाँ रुकेंगे, रेस्ट लेंगे, फिर हम लोग जाएंगे वाटरफॉल देखने के लिए जाएंगे, बंदसरी वाटरफॉल। यह एक फॉरेस्ट इलाका है, हेरिटेज इलाका है उड़ीसा की। तो देखिए पहाड़ और फूल, कितना कितना अच्छा नज़ारा। और यह पूरा घूम के देखिए, यह फोटो भी हम लोग खींच रहे हैं सब। देखिए यह कितना अच्छा, और यह लिखा भी है, देखिए आई लव मंडासरू। फिर हम लोग आए यहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ब्रेकफास्ट में हम लोगों को पूरी और ये साल पत्ते में आलू की काढ़ी दिया और पूरी दिया, क्योंकि हम लोग ज़्यादा टाइम यही रुकेंगे नहीं, तो इसीलिए हम लोग पूरी और आलू की काढ़ी खा लिए। ये साल पत्ता में दे रही है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, साल पत्ते में एक पिकनिक वाला फील हो रहा है। तो देखिए आप लोग भी कभी आएंगे तो यहाँ इस तरह का खाना भी खा सकते हैं। देखिए साल पत्ते में पूरी और आलू की, और यह देखिए चावल भी उगल रही है, काट से चूल्हा बनाया। तो यह बहुत सारे लोग, जो लोग खाना चाहते हैं लंच वगैरह करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए चावल पका रही है। फिर हम लोग पूरा घूमे और निकल पड़े यहाँ से। अब हम जा रहे हैं मंडासरी वाटरफॉल देखने के लिए। एक ट्रेकिंग का ट्रेकिंग था, छोटा छोटा मोटा, पर ये रास्ता बहुत ख़तरनाक है। तो आप लोग ये रास्ता भी देखिए कितना ख़तरनाक। जाने का टाइम बहुत अच्छा है, पर आने का टाइम बहुत कठिन है। तो आप देखिए, हम लोग एक लाठी भी ले लिया, सब जा रही है हमारी ग्रुप की और भी लोग। देखिए रास्ता, देखिए रास्ता कितना खतरनाक रास्ता है। अच्छा भी लग रहा है देखने में, जाने में, क्योंकि बहुत टाइम बाद वाटरफॉल देखेंगे, यही सोच सोच के ओ ओ ओ कब देखेंगे कब देखेंगे। तो जा रहे, देखिए कितना कष्ट हो रहा है उन लोगों को आने में। हम लोग जा रहे हैं खुश खुश, फिर जो लोग आ रहे हैं वो लोग बहुत तकलीफ़ में आ रहे हैं, क्योंकि रास्ता बहुत ख़तरनाक है। देखिए देखिए रास्ता ख़तरनाक, जंगल के अंदर जितना जा रहे उतना ही ख़तरनाक रोड देख रही है। देखिए कोई कोई रेस्ट भी ले रहे, कोई कोई अंदर से आ रही है। देखिए
ইতান একা উঠি এটা তাই ইরানকে দেখে আসছে 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 না না ও কি সুন্দর জায়গাটা আমরা ছবি তোলো কি দেখা যাচ্ছে এখান থেকে কেদারনাথের থেকে রাস্তা ভালো আমাদের ছবি তুললো আমরা তো তোমার ভ্রমণ সঙ্গী চলছে না ফোন করো দেখো আসছে নাকি দেখো ফোন করো না দাঁড়িয়ে গেছে ওখানে कुछ टाइम आने के बाद मेरा मम्मी को मैंने बोला एक जगह बैठ जाओ क्योंकि इतना खराब रास्ता है देखो रास्ते में अगर कुछ लग जाए तो पैर में चोट आ सकते हैं क्योंकि हम खुद नहीं चल पा रहे इतना ख़तरनाक एरिया है और अगर रास्ते सीधा होता रास्ते अच्छा होता तो मम्मी को मैं साथ में ले आते पर मुझे बुरा भी लग रहा है क्योंकि इतना दूर आए मम्मी नहीं देख पा रहे वाटरफॉल तो हाँ क्योंकि अगर उनको अगर लग जाए तो हम यहाँ से उनको नहीं ले जा पाऊँगी और कार तक और देखिए लोग झुक झुक के आ रही है तो इमेजिन कर रहे हैं ना कितना खराब रास्ता है और एक्साइटेड भी है वह वाटरफॉल की साउंड आ रही है दूर से तो भी देखने के लिए तरस रहे है तो चलो चलो देखते हैं वाटरफॉल और कितना दूर और कितना दूर चलो ओ आ गई हूँ चलो चलो अंदर जाके वाटरफॉल एंजॉय करती हूँ चलो फिर हम आ गए ए वाटरफॉल के पास और देखो इस वाटरफॉल का नेम है मंडासारू वाटरफॉल पर यहाँ आने में बहुत तकलीफ है और जाने के टाइम एक भैया का हेड पे चोट लगा आप लोगों के सामने दिखाया हम সেটাকে আটকানোর জন্য वाटरफॉल देखने के बाद हम लोग नेक्स्ट व्यू पॉइंट जाएंगे देखने के लिए तो थोड़ा सा यहाँ रेस्ट लिया और नींबू पानी
बिक रहे थे तो थोड़ा सा पी लिया, फिर हम जाएंगे कहाँ देखते हैं। तो चलो हम फिर से बहुत खूबसूरत जगह घूमने जा रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे कहाँ जा रहे हैं। हमारी ड्राइवर दादा बहुत गुस्से में है क्योंकि ये रोड बहुत ख़राब है, बीच बीच में इतना अच्छा नहीं था, रोड साइड देखिए कितना ख़राब था, तो ड्राइवर बहुत गुस्से हो रहे थे, बोल रहे इतना अच्छा व्यू साइड में और रोड का हालत तो देखो, ऐसा बोल कर बहुत गुस्सा हो रहे थे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दूसरा व्यू पॉइंट के साथ, तो बाय बाय। आप लोग अच्छे से रहे, खुश रहे और हैप्पी रहे, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नया फ्रेंड को बोलूँगी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को, मेरा साथ दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।